वेलकम क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी विद आकाश निगम। और आज की क्लास में जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब एक सिंपल सा टॉपिक होता है दैट इज ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन, इसमें आप सब कंफ्यूज रहते हैं। तो ये टॉपिक समझने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए नाइट्रोजन बेसिस, और अगर नहीं क्लियर है तो हम एक जनरल आइडिया दे रहे हैं अबाउट। तो अगर नाइट्रोजन बेसिस की बात की जाए, नाइट्रोजन बेस मेनली दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है प्यूरीन और दूसरा कौन सा होता है? पिरिमिडिन। दो तरह के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। और प्यूरीन कितने तरह के होते हैं? प्यूरीन होते हैं दो, पहला होगा एडिनिन और दूसरा होगा ग्वानिन। और पिरिमिडिन की अगर डीएनए की बात की जाए तो दो ही होंगे, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये अगर नहीं भी याद है तो याद रखें कि नाइट्रोजन बेस आपके दो तरह के होंगे, प्यूरीन और पिरिमिडिन। प्यूरीन एडिनिन ग्वानिन है, पिरिमिडिन साइटोसिन थाइमिन है, क्योंकि इसी के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ, यहाँ पर क्या होना है? रिप्लेसमेंट होना है, एक चीज को दूसरी चीज रिप्लेस करेगी। कौन रिप्लेस करेगा? प्यूरीन का रिप्लेसमेंट किससे हो जाए? प्यूरीन से। जब एक प्यूरीन दूसरे प्यूरीन से ही रिप्लेस कर दिया जाए, लाइक एडिनिन फॉर्म किससे रिप्लेस किया जाए? ग्वानिन से, या ग्वानिन किससे रिप्लेस किया जाए? एडिनिन से, क्योंकि एडिनिन और ग्वानिन दोनों क्या है? प्यूरीन है। तो एक प्यूरीन का दूसरे प्यूरीन से रिप्लेसमेंट क्या है? ट्रांजिशन। या फिर एक पिरिमिडिन का दूसरे पिरिमिडिन से रिप्लेसमेंट जो है, ये क्या है आपका? ट्रांजिशन। सेम चीज है, मतलब प्यूरीन का प्यूरीन से या पिरिमिडिन का पिरिमिडिन से, मतलब साइटोसिन का रिप्लेसमेंट हो जाए थाइमिन से, या थाइमिन का रिप्लेसमेंट हो जाए साइटोसिन से। ये क्या कहलाता है? ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ, यहां पर किसका रिप्लेसमेंट होने वाला है? यहां पर रिप्लेसमेंट थोड़ा सा उल्टा होगा, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ अ प्यूरीन विद पिरिमिडिन। वहां पर क्या था? सेम रिप्लेसमेंट हुई थी, दैट इज प्यूरीन का प्यूरीन में या पिरिमिडिन का पिरिमिडिन में। बट यहां पर जब एक प्यूरीन एक पिरिमिडिन से रिप्लेस हो, मतलब एक एडिनिन ग्वानिन से रिप्लेस नहीं होगा, एडिनिन किससे रिप्लेस हो सकता है? वो थाइमिन से रिप्लेस हो सकता है, वो या फिर किससे रिप्लेस हो सकता है? थाइमिन के अलावा कौन सा होता है आपका? पिरिमिडिन, साइटोसिन। तो एडिनिन का रिप्लेसमेंट थाइमिन से हो या एडिनिन का रिप्लेसमेंट साइटोसिन से हो, सेम मैनर में थाइमिन का रिप्लेसमेंट किससे हो? एडिनिन से हो या फिर ग्वानिन से हो। तो ग्वानिन और एडिनिन, क्योंकि ये प्यूरीन है दोनों, और ये दोनों क्या है? पिरिमिडिन। तो जब एक प्यूरीन एक पिरिमिडिन से रिप्लेस किया जाए तब इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्जन, और जब एक प्यूरीन प्यूरीन से या एक पिरिमिडिन दूसरे पिरिमिडिन से रिप्लेस किया जाए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सब्सक्राइब करें और देखते रहें। थैंक यू।